इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। हाँ, तो हम बात करेंगे 7 लाख पर मंथ के पैकेज के बारे में। क्या ये पैकेज किसी को मिल सकता है, क्या ये पैकेज किसी को मिला, इन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी को मिला हो सकता है मिल भी सकता है, पर क्या ये प्रोसेस रिपीटेबल है? क्या आपको इसके बारे में सोचना चाहिए? क्या आपको इसके बारे में तवज्जो देना चाहिए? क्या आपको ये एस्पायर करना चाहिए? इन चीजों के बारे में हम बात करना चाहते हैं आज आपके साथ। पराया कॉलेज से पढ़ के एक बच्चे की 7 लाख की जॉब लग गई। मेरे को इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना कि ये सही है, गलत है, झूठ है, सच है कि नहीं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मैं आपके सामने बस ये बात कहना चाहता हूँ कि चलो मान लेते हैं कि ये सच है, किसी को लगी है 1 करोड़ की जॉब, तो भी ये आधा सच है। इसका पूरा सच समझना बहुत जरूरी है। और ये पहली बार नहीं है कि किसी कोई पब्लिसाइज कर रहा है कि यू नो 1 करोड़ की जॉब लग गई, 7 लाख पर महीने की जॉब लग गई। IITs ये काम बहुत सालों से करते आते हैं, जब उनके प्लेसमेंट नंबर्स दिखाते हैं। इसीलिए तो इंडिया में हर पेरेंट को चाहिए कि उसका बच्चा IIT में जाए। बट मैं उसकी सच्चाई भी आज आपको बताना चाहता हूँ। दो चीजें समझनी जरूरी है। पहली चीज होती है इंडिया और US में परचेजिंग पावर पैरिटी। इंडिया में जो पैसा आप 1 रुपये में जितनी चीजें खरीद सकते हैं, US में वो चीज खरीदने के लिए आपको 3 रुपये लगेंगे। मिनिमम 1/3 रेशियो रहता है। तो अगर आपकी US में जॉब लगी है 1 करोड़ की, तो इंडिया में वो इक्विवेलेंट 33 लाख की जॉब होगी। ठीक है, आपकी 1 करोड़ की जॉब नहीं लगी है, आपकी 33 लाख की जॉब लगी है। दूसरी बात समझते हैं इसमें, ये जो 33 लाख की जॉब है, इसमें भी कुछ परसेंटेजेस अलग अलग होते हैं। मैं भी माइक्रोसॉफ्ट में काम किया हूँ, हजारों बच्चों से मैंने बात की है, मुझे पता है ये चीज कैसे होती है। मैंने अपनी सैलरी भी देखी है, दूसरों की सैलरी भी देखी है, और अब एज एन एम्प्लॉयर मैं भी सैलरी स्ट्रक्चर करता हूँ इस तरह से फ्रेशर्स के लिए। तो मैं बताता हूँ इस सैलरी में क्या होता है। सैलरी के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होती है आपकी बेसिक सैलरी जो सच में आपके हाथ में आएगी। दूसरी होती है आपकी रिटेंशन बोनस जो 4 साल में स्टैगर्ड होती है और स्टॉक्स में स्टैगर्ड होती है, ऐसा भी नहीं होता कि कैश होता है। और तीसरा पार्ट होता है एक ज्वाइनिंग बोनस जो आजकल फ्रेशर्स को दिया जाता है। ठीक है, इन तीनों पार्ट के बारे में समझते हैं। एक 33 लाख की सैलरी आपको मिली, चलो बहुत डुएबल है, फ्रेशर्स के लिए भी डुएबल है, ऐसा नहीं है कि असंभव है, पर फिर भी उसको समझते हैं थोड़ा। पहला पार्ट जो है आपका ज्वाइनिंग बोनस, इसमें जरूर 4 से 6 लाख का ज्वाइनिंग बोनस होगा, और वो 1 साल आपको 1 साल कम से कम उस कंपनी में रहना होगा उस ज्वाइनिंग बोनस को मिलने के लिए। तो आपकी सैलरी बची कितनी, अगर 5 लाख 6 लाख का ज्वाइनिंग बोनस रखते चलो 28 लाख सैलरी बची। उसके बाद इसमें एक 4 साल का कॉम्पोनेंट होगा, 4 साल के स्टॉक वैल्यू को जोड़ा जाता है। तो मान लो आपके पास 16 लाख का स्टॉक वैल्यू हुआ। आप बोलोगे भैया पैसा तो है। बिल्कुल भाई, मैं एक बार भी नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं है, पर तुम्हें 1 साल में नहीं मिल रहा है ये। और दूसरा चीज ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 4 साल का बोनस होता है, इतने ज्यादा स्टॉक ग्रांट्स फिर नहीं मिलते दोबारा। तो फर्स्ट ईयर आपको 16 लाख का ग्रांट मिला, अगले साल आपको 2 लाख का ग्रांट मिलेगा। किसी भी बंदे को जो माइक्रोसॉफ्ट में काम किया हो, अमेजोन में काम किया हो, गूगल में काम किया हो, किसी से भी जाके पूछ लो, सबके साथ यही हुआ है। उनको ज्वाइनिंग के टाइम पे एक बड़ा स्टॉक ग्रांट मिलता है 4 साल का, जो बहुत पैसा होता है, बट सब्सिक्वेंट स्टॉक ग्रांट्स इतने नहीं होते हैं। तो आपकी इफेक्टिव ईयर ऑन ईयर सैलरी इतनी ज्यादा होती नहीं है। मैंने भी काम किया, मुझे भी पता है, मेरे साथ खुद ये धोखा हुआ है। जो 16 लाख का स्टॉक ग्रांट है उसको थोड़ा तोड़ के देखते हैं, उसमें 4-4 लाख के 4 पार्ट्स आते हैं। तो आपको 1 साल में मिला बस 4 लाख रुपए। ठीक है, तो अब क्या बचा आपके पास? आपने 28 में से 16 हटा दिया, तो आपकी इफेक्टिव बेस सैलरी हुई 14 लाख की। 14 लाख की पैकेज लगी है आपको, 4 लाख का स्टॉक ग्रांट है और 5 लाख का ईयर एंड ज्वाइनिंग बोनस है। तो इफेक्टिव सैलरी आपकी 23 लाख की हुई है। 23 लाख का पैकेज इंडिया में भी लगता है लोगों का, कई सारे अच्छे कॉलेज से, IITs से, बाकी जगह से भी लगता है, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों का लगता है। और ये 2 महीने में डुएबल है कि नहीं और रिपीटेबल है कि नहीं ये प्रोसेस, इस पे बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। आप उसको देखना ना भूलें। देखो, मैं हाथ जोड़ के तुमसे एक विनती करता हूँ कि तुम इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को दिखाओ, अपने कजन्स को दिखाओ, जिनको भी जानते हो व्हाट्सएप पे सबको भेजो। क्योंकि ये जो 1 करोड़ के पैकेज की भ्रांति है, जो मोह माया लोगों ने फैला के रखा हुआ है IIT वालों ने, उससे तुम्हारे ऊपर अनड्यू प्रेशर बनता है। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को इस कंट्री में इस तरह का बिना मतलब का प्रेशर झेलना पड़े। आराम से टाइम देकर करियर बनाओगे तो अच्छा करियर बन जाएगा, ये हेडलाइंस के चक्कर में फंसना छोड़ो। देखो, अगली वीडियो जो आ रही है उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसमें मैं इस चीज को और ब्रेक डाउन करूंगा। और कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा।